विधानसभा चुनाव अब बैलेट के पेपर के बजाय ईवीएम से होने लगा है। जाहिर सी बात है, जब ईवीएम का उपयोग होने लगा है तो जो मतदाता है उनको प्रक्रिया समझाने के लिए भी अब राजनीतिक पार्टियां भी डमी ईवीएम का उपयोग करने लगी है। देख सकते हैं ये मतदान केंद्र के बाहर जो राजनीतिक पार्टियों का केंद्र बनता है वहाँ पर इस प्रकार से एक ईवीएम रखी गई है। बाकायदा इसमें बताया गया है कि किस प्रत्याशी का कौन सा बटन रहता है और वहाँ पर यदि आप जैसे डालेंगे तो बाकायदा मशीन जैसे आवाज़ ईवीएम में आती है उसी तरीके की आवाज़ इसमें भी आएगी। तो ये एक नया तरीका आजकल प्रत्याशियों के लिए हो गया है कि वो अपने बारे में जो मतदाता है उनको बता सके। और आमतौर पर पहले यह प्रक्रिया बैलेट के जरिए रहती थी, एक डमी बैलेट पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था और उसमें बताया जाता था कि किस प्रत्याशी का जो है वो कहां पर है, कौन से नंबर पे है। लेकिन ईवीएम का उपयोग आने के बाद अब तरीका बदल चुका है और इस तरीके की डमी ईवीएम यहां पे जो सुविधा केंद्र रखती पार्टी रखती है राजनीतिक पार्टियाँ वहाँ पर रखी जाती है। और जरिए से समझाया जा रहा है कि बाकायदा इसमें आवाज़ भी आ रही है, लाइट भी चल रही है। तो ये डिजिटल तरीका हो गया है एक प्रकार से मतदाता को बताने के लिए कि जब वो ईवीएम में जरिए वोट डालने जाएं तो किस प्रत्याशी के लिए कौन सा नंबर का बटन उन्हें दबाना है उसकी जानकारी प्रत्याशियों को पहले से हो सके। राजनीतिक पार्टियों ने ये प्रयोग शुरू किया है ताकि अपने उम्मीदवार के बारे में वो जनता को बचा सके। यहाँ IBC 24 के यूट्यूब चैनल के लिए कैमरामैन रमाशंकर के साथ मैं स्टार जैन।